वेलकम टू माय चैनल लर्न स्टडी। आज मैं विजय लेके आई हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने ग्रामर पोर्शन में यूज ऑफ दीज एंड दोस कर सकते हैं। मैं आपको दिस एंड दैट की वीडियो पहले ही बता चुकी हूं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमारा जो दिस होता है और दैट होता है वो हमारा यूज होता है सिंगुलर के लिए। उसी तरीके से हमारा जो दीज होता है और जो दोज होता है वो यूज होता है हमारा प्लूरल के लिए, और दीज को हम हिंदी में कहते हैं ये, और दोस को बोलते हैं वे, और प्लूरल को हम सभी को पता है प्लूरल को हम बहुवचन कहते हैं। अब आती है बात हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, इनकी नेक्स्ट पोजीशन की, कि हमारा दीज कहाँ लगता है। दीज लगता है जो चीजें हमारे पास होती हैं, नियर। और दोस्त लगता है जो चीजें हमसे दूर होती हैं, यानी कि फार। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एज इट इज, जैसे मतलब दीज एंड दैट है, उस तरीके से दीज और दोस है। दीज यह है नियर के पास, दोस वह फार के लिए, और दीज और दोस का यूज होता है हमारे प्लूरल के लिए। तो ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस की मदद से इनको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। डैश आर एप्पल्स, यानी कि एप्पल्स कहाँ पर हैं? अगर हम देखें तो एप्पल्स काफी पास में मिल गए हमको, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे। दीज आर एप्पल्स, और मैंने आपको बताया था कि हमारे जो दीज और दोज होते हैं वो प्लूरल के स्पेस पे यूज होते हैं, इसलिए हमने एप्पल भी प्लूरल बनाए हैं। और एप्पल के स्पेलिंग के आगे एस लगा है और हमारा आर लगा है, आर डोनेट करता है हमारे प्लूरल के, ठीक है। डैश आर एप्पल्स, एप्पल्स कहाँ पर है? एप्पल्स तो काफी दूर है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा दोज। सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। डैश आर काइट, तो काइट्स कहाँ पर है हमारी? ये हमें काफी पास में मिल गई है, तो इसीलिए हमारे हो जाएंगे दीज। डैश आर काइट्स, काइट्स कहाँ पर है? मे बी काफी फार लग रही है, यस फार है, सो इसीलिए यहाँ आ जाएगा दोज। थर्ड वन, डैश आर आइसक्रीम, आइसक्रीम कहाँ पर है? फार है, सो दैट वाई वी यूज दोज। डैश आर आइसक्रीम, आइसक्रीम काफी पास में है, वन डैश में ही कंप्लीट हो गया, सो यहाँ पे आ जाएगा दीज। तो देखा आपने, बस हमें याद रखना है कि दीज दोज प्लूरल के फॉर्म में आता है, दीज हमारे पास के ही लगता है, दोज हमारा दूर के ही लगता है, तो हम बहुत इजीली इनको डोनेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको दीज और दोज का यूज करना है, तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। डैश आर कीज, डैश आर बॉल्स, डैश आर मैंगोज, डैश आर काइट्स एंड डैश आर फ्लावर्स। तो आपको ये आपकी इमेजेस हैं और आपका दीज दोज का यूज करके आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।